हाँ सर, क्या भैया मेन्यू में क्या क्या है? वेज चौमिन है, पनीर चौमिन है, वेज फ्राइड है, पनीर फ्राइड है, वेज मैक्रोनी है, चिल्ली पराठो है, फ्रेंच फ्राई है, चिल्ली पनीर, पनीर मंचूरियन है, वेज बर्गर है, बंद मक्खन है, पनीर बर्गर है, पुलाव मैगी मसाला है, चार रेडीमेड सब आइटम है, क्या खाएंगे बताइए? भाई की स्पीड देखो आप लोग, बस अब मैगी बनवाते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो आज हम चल रहे हैं फूड ब्लॉग करने, हमारा पहला फूड ब्लॉग होगा, और ये अहिमा माऊ के पास एक शॉप है HCL गेट नंबर 2 के जस्ट सामने, और काफी अच्छी मैगी बनाते हैं, और काफी उनका मेन्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक सांस में पूरा मेन्यू बता देते हैं, मैंने काफी सुना है। तो आज चलते हैं अहिमा माऊ और मैगी का टेस्ट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। HCL गेट नंबर 2 अहिमा माऊ में ये शॉप है, आप देख सकते हैं, आर्यन गुप्ता फास्ट फूड एवं स्पेशल कुल्लड़ चाय। तो चलिए मैगी का टेस्ट लेते हैं, आपको बताते हैं कैसी आके मैगी। भैया ये पड़ गया हमारा मक्खन तड़का लगाने के लिए, और ये सारे सब्जियां जितनी काट के रखी थी भैया ने सब डाल दी इसमें। तो हमारी मैगी होने जा रही है तैयार, मैगी खाएंगे आज, यहाँ टेस्ट करेंगे, देखते हैं मैगी कैसी लगती है यहाँ की। काफी शांति वाली जगह है ये, काफी आप आराम से आके एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए चारों तरफ से बिल्कुल शांति शांति, दूर दूर तक कोई पब्लिक नहीं, थोड़ी बहुत पब्लिक दिखेगी आपको यहाँ पे। बस हमारा टमाटर पड़ चुका है, और आगे ये पानी, 2 मिनट वाली मैगी। देखिए मैगी कितनी प्यारी लग रही है देखने में, और इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है। अब देखते हैं, खा के देखते हैं। काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, सब्जियाँ सारी पड़ी हुई है, पनीर पड़ी हुई है इसमें, और अब पकने के लिए तैयार हमारी मैगी। अच्छा, एक प्लेट मैगी में कितने वो डालते हैं, कितने पैकेट? एक प्लेट में मैगी मतलब 4 प्लेट ये मैगी बन रही है। दोस्तों इतनी प्यारी स्मेल आ रही है कि मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा, मन कर रहा है कितनी जल्दी ये मैगी बने और कितनी जल्दी हम खाएं। स्मेल तो काफ़ी प्यारी है, और भैया जिस हिसाब से बना रहे हैं बिल्कुल देसी स्टाइल अपना, और काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है। अब देख रहे हैं, ये देखिए मैगी पूरा जो है, मैं पूरा शूट कर रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि आप देखिए, और यहाँ पे विज़िट करिए, आपको बहुत अच्छी जगह है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, फास्ट फूड की सारी चीज़ें, जो भी आप चाहे चिली पोटैटो खाना चाहें, या हनी चिली पोटैटो, या फिंगर चिप्स खाना चाहें, या मैगी, हर चीज़ आपको यहाँ में मिल जाएगी, और स्मेल भी काफ़ी अच्छी आ रही है, और टेस्ट तो पूछिए ना, वो तो आपको पता ही चल जाएगा वीडियो में कैसा लगा। मैं जानते हैं मैं रियल रिव्यू देता हूँ, कोई रिव्यू नहीं देता। तो रही बात सबसे बढ़िया चीज़, धनिया, धनिया भी यहाँ बिल्कुल देसी स्टाइल में आपको मैगी मिलेगी बढ़िया। मैगी भी हमारी पक रही है, लगभग पक चुकी है मैगी सारी, और ये दोनों बुक्कर तैयार है खाने के लिए, एक प्रियांशु वर्मा और यश भाई दोनों तैयार हैं। बहुत तेज भूख लग रही है दोनों को। हमारी मैगी लगभग पक चुकी है, और अभी पक रही है क्योंकि पानी इसका पूरा जो है, मैंने भैया से बोला कि पानी बिल्कुल सुखा दीजिएगा, मुझे ग्रेवी नहीं चाहिए, मुझे सूखी मैगी पसंद है, इसलिए मैं बिल्कुल इसको सुखवा लूँगा। सूखी मैगी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, ग्रेवी उतना ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। देखिए कितनी पक गई है, पक तो गई है लगभग, और काफ़ी अच्छा इसका कलर भी आ रहा है, टेस्ट भी आ रहा है, और कोई इसमें फालतू के कलर्स या फालतू के मसाले भैया नहीं मिलाते हैं, सब कुछ आप ऐसे ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल होती हैं घर में आपको आराम से मिल जाएगा, आप यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि आपको विनेगर लेना पड़ेगा, आपको कुछ और सोया सॉस लेना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, नॉर्मली आप हल्दी, लाल मिर्च और मैगी मसाला, जो इनफैक्ट मैगी के साथ मिलता ही मिलता है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और स्मेल तो पूछिए ना, स्मेल तो मैं फील कर रहा हूँ, तो मुझे पता है स्मेल कितनी ज़्यादा अच्छी है। आप आएंगे, आप यहाँ खाएंगे तो आपको भी फील होगा, और आप भी टेस्ट का मज़ा ले पाएंगे, और आइएगा। देखिए ये जो है लगभग पानी सूख चुका है मैगी का, और जल्दी से प्लेट में पहुँच के हमारे पेट में पहुँच जाए, हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार है इस मैगी का,
और लगभग हो चुका है, बस थोड़ा सा और इंतज़ार है मैगी का हमें। और मैगी इनफैक्ट यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी मुझे कि मैगी के साथ साथ आप चाय भी ले सकते हैं, भैया चाय भी बेचते हैं। और चाय का तो पूछिए ना, मैं भी एक कप चाय पी चुका हूँ पहले वीडियो शूट करने से पहले, और एक अभी मैगी के साथ भी पीऊँगा। तो मैगी और चाय मिल जाए ना यार, कोई भी दिक्कत ही नहीं, फिर तो काफ़ी अच्छा फील होता है। और ये ऐसी जगह शॉप है ना जहाँ बिल्कुल शांति से आप आके और मैगी का मज़ा उठा सकते हैं, चाय का मज़ा उठा सकते हैं, कोई यहाँ पे बहुत शोर शराबा नहीं, आप शांति से बैठे अच्छी खुली हवा में बैठे। SEL गेट नंबर 2 के जस्ट सामने ये शॉप है। हमारी मैगी लगभग सूख चुकी है, देखिए मैं पास से दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए गैस हमारी बंद कर रहे हैं भैया ने, गैस को गैस बंद कर दिया, लगभग मैगी हमारी सूख चुकी है। तो अब बारी है प्लेट में जाने की, उसके बाद हमारे पेट में जाने की। तो मैगी भैया निकालो जल्दी, सबर नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, ये प्लेट हमारी लग चुकी है। और हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि कुछ कहने को नहीं, हवा आज बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है, धूप भी निकली हुई है और हवा भी चल रही है। ये प्लेट आ गई, ये देखिए एक चार, मैंने बताया था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि चार प्लेट मैगी बनी हुई है। तो एक दो तीन चार, मेरे वाले में ज़्यादा डालिएगा थोड़ा सा मिर्चा, कलर भी काफ़ी देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे उसमें दिखाते नहीं मैगी दो मिनट में मैगी, लेकिन दो मिनट में मैगी नहीं बनती है, कहने की बातें होती दो मिनट में मैगी बन जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, दो मिनट में बिल्कुल मैगी नहीं बनती है अगर अच्छी मैगी। अब ऐसा नहीं कि पानी में डाला उबाला खा ला, वही चीज़ वही वाला है कि उबालो और खा लो, तो वो चीज़ नहीं। अरे हाय पनीर, पनीर इसके ऊपर डाल रहे हैं भैया, बिल्कुल उसको जो है बहुत अच्छी तरीके से, जिससे देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और खाने में भी थोड़ा सा तो टेस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए कितनी प्यारी मैगी लग रही है अब देखने में काफ़ी, ये देखिए पास ले चलता हूँ, धनिया धनिया ये इसका थोड़ा सा लुक देने के लिए धनिया ऊपर से डाला, और टेस्ट तो धनिया डालने से आ ही जाता है। ये बटर है, बटर भी ऊपर से डाल दिया भैया ने थोड़ा थोड़ा सब पे, कुल मिला के ना पैसा वसूल मैगी है यहाँ पे। तो आप आइए यार एक बार, मेरे कहने से विज़िट ज़रूर करिएगा, कोई भी चीज़ लोकल आपको नहीं मिलेगी। स्पून देखिए सब कुछ अच्छा, ऐसा नहीं कि हम देखते कहीं जगह स्पून से खाते हैं स्पून टेढ़े हो जाते हैं, स्पून टूट जाते हैं, तो हर चीज़ अच्छी आपको मिलेगी। और ये देखिए अपने हाथ पे रख लिया, अरे एक और रख लिया, तीन रख लिए देखिए अपने हाथ ही पे, और ले चल रहे हैं मैगी हमारी ये। और ये हमारा भुक्कड़ दोस्त, सबसे ज़्यादा भुक्कड़ मेरे साथ हर वीडियो में मिलता है ये, हाँ ठीक है भाई, जानते पहचानते ही टिकटॉक वाली पिछली वीडियो में देखा होगा, टिकटॉक स्टार अपना प्रियांशु वर्मा। और ये हमारे यश भाई हैं, इनका भी यूट्यूब पे चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नाम बता दो चैनल का, यश त्रिपाठी नाम है चैनल का, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो जाइए विजिट करिए। हमारी तीन चाय, तुमको बहुत ज्यादा जल्दी है भूख लगी साले आपसी कहीं के, भाई बेइज्जती करते हैं क्योंकि तुम्हारी इज्जत बहुत ज्यादा है। कर लो ये हमारी मैगी, लो 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 कैमरा, हाँ हाँ कैमरा नहीं खाएगा भाई, चाय कर दे। तो दोस्तों मैगी हमारी बन चुकी है, टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका, काफी प्यारा है, बहुत अच्छी मैगी बनी है, एकदम लगी रही है। विजिट करिए शॉप का, एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, विजिट करिए, काफी अच्छी मैगी बनाते हैं यहाँ पे। कितने रुपए प्लेट है? 25-30 रुपए प्लेट है, 25 या 30 रुपए प्लेट है, कितने रुपए प्लेट? 40 रुपए प्लेट है मैगी, आइए विजिट करिए।